Hi everyone, welcome to my channel. This is me Anmol. I'm member technical at DE Shaw, and today in this video I'm going to discuss this code forces round 800 diff 2. And before starting, like if you're new to this channel, then subscribe the channel and hit the bell icon so that you get notified every time whenever I post this new video. So let's get started. Let's start with the problem A first. So like I had to go somewhere in an emergency situation between the contest, so I didn't attempted the contest to the fullest, but yeah, I did absolve the problem till D. So I'll share the solutions till problem D. Okay, so problem A is creep, and what it's given is in this problem is like you are given this number of zeros and number of ones, aur tumhe ye batana hai ki would be the minimum possible creepiness of a particular string like which you could generate. So basically aisa kuch hai ki jaise just give me a sec. Like let's say you are given this 1 1. So number of zeros and number of ones are this. So agar tumhe तो इसके केस में लाइक आंसर तुम्हारा 0 1 होगा या 1 0 कुछ भी हो सकता है. ऐसी अगर लेट्स टेक दिस एग्जांपल 4 5. सो 4 5 के केस में तुम्हारे पास जो भी आंसर दिया है वो दिया है 1 0 1 0 1 0. तो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि 4 0s को तो तो इन्होंने क्या किया है ये वाला जैसे तुम्हारा आउटपुट आ रहा है ठीक है. तो मैंने क्या सोचा इसमें लाइक मैंने यही प्रॉब्लम लाइव अटेम्प्ट की थी. तो मैंने क्या सोचा था कि जैसे अगर तुम लेट से तुम 5 0s को एक साथ लगा देते यहाँ पर ये 0s तुम्हारे पास 4 हैं और ये 0s हैं और ये 1s हैं ठीक है. तुम 4 0s को एक साथ लगा देते और उसके बाद 4 1 लगाते तो उससे क्या होता तुम्हारी जो क्रीपीनेस की वैल्यू है 4 0s को तुम लेट से ऐसे लगा देते तो उसके बाद जो तुम्हारी क्रीपीनेस की वैल्यू है वो मैक्सिमम 4 आ जाती. बट अगर तुम बीच में 1 इंट्रोड्यूस करते इस तरीके से तो तुम्हारी क्रीपीनेस +1 होती फिर -1 होती फिर +1 होती फिर -1 होती. तो वो वर्स्ट केस में भी तुम्हारी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती थी अगर तुम्हारे लाइक कॉन्सिक्यूटिव 0 1s हैं. तो ये देखकर मैंने सोचा कि अगर मैं 0 1 0 1 0 1 ऐसे बना लूँ और जो बचे हुए ज़ीरोज़ हैं उनको बाद में इंसर्ट कर दूँ क्योंकि उनके लिए कोई ऑप्शन है नहीं, या फिर जो बाद में अगर वंस बच रहे हैं तो उन्हें मैं ऐसे इंसर्ट कर दूँ जो भी बच रहे हैं एंड में 0 1 0 1 कॉन्सिक्यूटिवली करने के लिए. कि तो अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ ये आएगी कि हम 0 1 को रखें या फिर 1 0 को रखें, मतलब 1 0 1 0 1 0 उसके बाद जो ज़ीरोज़ या वंस बच रहे हैं वो रखें, या फिर 0 1 0 1 0 1 उसके बाद जो ज़ीरोज़ और 1 बच रहे हैं उन्हें रखें. सो माय से ऑन इट विल बी क्योंकि हम एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल रहे हैं सो इट डजेंट मैटर कि तुम 0 को पहले रख रहे हो या 1 को पहले रख रहे हो, बट ये तुम्हारे कॉन्सिक्यूटिवली होने चाहिए. तुम ये चेक भी कर सकते हो लाइक 4 0s और 5 1s थे हमारे पास तुम्हारे पास 4 0s एंड 5 1s थे ठीक है. तो अब अगर मैं 4 0 रख दूँ ऐसे और उसके बाद 1 1 बचा ये रखूँ तो इस केस में मेरी क्रीपीनेस की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम 1 होगी. क्यों, 0 के लिए यहाँ पे 1 होगी फिर 0 हो जाएगी फिर यहाँ पर फिर से 1 होगी फिर 0 हो जाएगी ठीक है. तो ये ऐसी चलती रहेगी और फिर यहाँ लास्ट वाले के लिए सॉरी 2 हो जाएगी. लिख लेते हैं दोबारा से, ज़्यादा हीरो नहीं बनते हैं. 1 1 1 +1 -1 और क्योंकि लेट्स एज्यूम कि मैं ऐसे देख रहा हूँ 3 4 5 और ये 4 सॉरी 1 ही होगी. तो ऐसी अगर तुम इसके लिए देखोगे 1 0 1 0 1 1 तब तुम इसके लिए देखोगे तो यहाँ पर इस वाले के लिए 5 -4 1 होगी. बाकियों के लिए भी तुम चेक करोगे तो सबके लिए 1 ही आएगी
मतलब ज़ीरो भी आएगी और मैक्सिमम तुम्हारी 1 ही होगी उनमें। तो 0 1 रखो या फिर 1 0 रखो वो मैटर नहीं करता, बस कॉन्सिक्यूटिवली तुम्हें 0 1 प्लेस करना है, जो भी बच जाएंगे 0s या 1s उन्हें एंड में रख दो। सो प्रॉब्लम ये तो हमारी ये थी, उसके बाद मैं चला गया था, सो आई डिडंट सॉल्व इट। तो अब मैं बताता हूँ मैंने अब सॉल्विंग में किए हैं तो कैसे किए हैं। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स दी प्रॉब्लम 2 विच इज़ पैरानॉइड स्ट्रिंग। तो इसमें तुम्हें ये बताना है कि तुम्हारे पास दो ऑपरेशंस दिए हुए हैं, एक तो तुम 0 1 से 1 कर सकते हो स्ट्रिंग को और 1 0 स्ट्रिंग को 0 कर सकते हो, और तुम्हें ऑपरेशंस m-1 टाइम्स करने हैं, और उसके बाद तुम्हें बताने हैं कि कितनी नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स पैरानॉइड हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में। ठीक है, तो लेट मी टेक दिस एग्जाम्पल। सो 1001 जैसे एक तुम्हारी स्ट्रिंग है, सो पैरानॉइड स्ट्रिंग के लिए एक तुम्हारी सब स्ट्रिंग्स क्या होंगी, 1001 ये 1 लेंथ की होंगी, ऐसी 2 लेंथ की क्या होंगी, 1000001, ऐसी 3 लेंथ की क्या होंगी, 1000001, और 4 लेंथ की हमारे पास है। तो 1 लेंथ वाली तो सारी ही होंगी पैरानॉइड, ऑल पैरानॉइड ये तो होंगी होंगी। अब बात करते हैं हम 2 लेंथ वालों की, तो तुम 1 0 को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, 1 0 को तुम कन्वर्ट कर सकते हो 0 के अंदर, और 0 1 को कन्वर्ट कर सकते हो 1 के अंदर। तो जब तुम 1 0 को 0 में कन्वर्ट कर दोगे तो ये तुम्हारी 1 लेंथ ही हो जाएगी। हम पैरानॉइड स्ट्रिंग्स आर दो स्ट्रिंग्स विच आफ्टर विच लाइक यू परफॉर्म, लाइक से योर स्ट्रिंग इज ऑफ लेंथ एम एंड यू परफॉर्म m-1 ऑपरेशन, दीज नंबर ऑफ ऑपरेशन m-1 टाइम्स, एंड यू गेट अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1, तो उस स्ट्रिंग को हम पैरानॉइड कहेंगे। तो जैसे 1 0 को ऑपरेशन तुम ये 0 लगा के एक लेंथ का बना दोगे, तो एक ऑपरेशन लगाया तुमने, 2 इसकी लेंथ थी तो एक ऑपरेशन तुम्हें अलाउड था, वो तुमने लगा के इसको 1 लेंथ का बना दिया, तो ये पैरानॉइड है। सिमिलरली इस वाले 0 0 के लिए देखो, इस 0 0 के लिए देखो, ये 0 0 जो है इसको तुम कन्वर्ट ही नहीं कर सकते कोई और ऑपरेशन, ये 2 लेंथ की ही रहेगी। 0 1 को फिर तुम अगेन कन्वर्ट कर सकते हो, तो 0 1 को तुम अगेन कन्वर्ट कर सकते हो किस में, 0 1 को कन्वर्ट कर सकते हो तुम 1 में, तो ये तुम्हारी एक लेंथ की बन गई एक ऑपरेशन के बाद, तो ये भी पैरानॉइड स्ट्रिंग होगी। सिमिलरली अब तुम 1 0 0 को देखो, तो 1 0 0 के लिए तुम कन्वर्जन कर सकते हो, 1 0 को तुम 0 में कन्वर्ट कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर तुम 0 0 को कुछ नहीं कर सकते, तो ये भी एक पैरानॉइड स्ट्रिंग नहीं है। सिमिलरली 0 0 1, 0 1 को तुम कन्वर्ट कर सकते हो 1 में, एंड अगेन 0 1 को तुम अगेन 1 में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये भी पैरानॉइड स्ट्रिंग होगी। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं ये नहीं है 7, और इस वाली के लिए देखते हैं तो ये भी है, तो इसके केस में 8 आएगा। इस वाले के में कैसे होगी, 1 0 0 1 है, तो 0 1 को तुम 1 में कन्वर्ट कर लो, 1 0 को तुम 0 में कन्वर्ट कर लो, फिर 0 1 को तुम अगेन 1 में कन्वर्ट कर लो। तो ऐसा कुछ हो रहा है हमारे इसमें। तो अभी ये तो ठीक है, अब तुम काउंट कैसे करोगे, तुम काउंट करोगे कैसे, मतलब ये थोड़ा सोचना थोड़ा काफ़ी ट्रिकी था, मतलब वैसे लाइक इट वॉज एन वेरी ऑब्जर्वेटिव प्रॉब्लम। तो अगर तुम जरा सा नोटिस करो, लाइक अगर तुम्हारे पास 0 1 है, ठीक है, या फिर 1 0 है, तुम यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर्स लगा लो, 0 1 0 लेट से ऐसा कुछ भी लगा लो, 1 1 1 1 1 कुछ भी लगा लो, सो इट वुड बी ऑलवेज कन्वर्टेबल। करके देख लेते हैं, 0 1 को तुम किस में कन्वर्ट कर रहे हो, ऑपरेशन क्या था, 1 था, और 1 0 के लिए ऑपरेशन था 0, तब तुम 0 1 को किस में कन्वर्ट करोगे, 1 में कर दोगे, सी 0 1 को 0, मैंने ये वाली स्ट्रिंग ली है तुम्हारे उसके लिए। अब तुम इस वाले 0 1 को ज़रा 1 में कन्वर्ट कर देता हूँ, या इसको 1 में नहीं करते, 1 0 को 0 में करते हैं, ये भी 0 हो जाएगा, 1 0 को 0 कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये अब तुम यहाँ पर ऑपरेशन लगा दोगे, 0 1 को 1 कर दिया, फिर 0 1 को 1 कर दिया, फिर 0 1 को 1 कर दिया, और इस वाले 1 0 को तुमने क्या कर दिया, 0, फिर लास्ट में 0 1 बचेगा उसको तुम 1 कर दोगे, तो ये वाली भी पॉसिबल है। ऐसे तुम इसको देखो कि 1 1 1 1 1 1 1 0, तो 1 0 को तुम किस में कन्वर्ट करोगे, 1 0 को तुम 0 में कर दो, फिर तुम्हारा 1 0 को 0, फिर 1 0, सब लास्ट में 1 0 को तुम 0 में कन्वर्ट करके एक लेंथ का बना लोगे। तो मेरे कहने का इतना सा मतलब है कि 0 1 हो या 1 0, कहीं भी ये दो कैरेक्टर्स अगर तुम्हारे नॉन इक्वल हैं, अच्छे 0 0 की केस में कभी नहीं होगा, क्योंकि 1 0 को तुमने अगर 0 में कन्वर्ट कर भी दिया, फिर तुम 1 0 को 0 0 0, तो ये 0 0 0 0 बन जाएंगे,
ऐसे ही अगर ये 1-1 होते, 1-1, 1-1, 1-1, तो भी कुछ कन्वर्जन नहीं होता। तो बस तुम्हें ये चेक करना, अगर 0-1 है और 1-0 है, तो उसके बाद की तुम सारी आई स्ट्रिंग्स को, मतलब जो भी, अगर तुम्हारा 0-1 है और इसके बाद जितने भी कैरेक्टर्स हैं, तो ए के वाली सब स्ट्रिंग, ए के वाली, ए के वाली, ए के वाली, ए के वाली, तो अगर इसकी इंडेक्स आई है, तो आई नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स तुम पैरानॉइड स्ट्रिंग्स बना सकते हो, सब स्ट्रिंग्स बना सकते हो। ठीक है, तो यही इसमें था प्रॉब्लम में। नाउ लेट मी शो यू द कोड जो भी मैंने लिखा है, और 1 लेंथ वाली तो होंगी होंगी। तो मैंने बस सिंपली यही किया है इसमें, कि अगर तुम्हारा आई ग्रेटर देन 0 है, और एस ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू एस ऑफ आई माइनस 1, मतलब 0 इज़ नॉट इक्वल टू 1, या फिर 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो उस केस में तुमने आंसर को आई से इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब आई नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स होंगी। ठीक है, और उसके बाद मैंने आंसर प्लस प्लस किया है, क्योंकि एक वो खुद तो है ही है, तो सिर्फ इतना से किया, लास्ट में सी आउट कर दिया आंसर। नाउ लेट मी ड्राई रन इट, ताकि तुम्हें समझ आ जाए। ठीक है, कोड रख लेना अपने सामने, ताकि तुम्हें क्लैरिटी रहे कि चल क्या रहा है। तो लेट मी टेक दिस स्ट्रिंग 1001, ठीक है, ये है। तो तुमने यहाँ से स्टार्ट किया, मैंने लूप उल्टा शुरू किया था, तो अब यहाँ पर तो ये आई जो भी है, आई इज़ इक्वल टू एन माइनस 1, सो आई इज़ ग्रेटर देन 0, एंड एस ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू एस ऑफ आई माइनस 1, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो तुम क्या ऐड कर रहे हो इस केस में? सो यू आर एडिंग दिस आई, ठीक है, तो आई क्या है तुम्हारा 0, 1, 2, 3, 4, तो आंसर के अंदर तुमने ऐड कर दिया 4, आंसर तुम्हारा इनिशियली था 0। ठीक है, अब तुम आगे बढ़ गए, तो ये वाला और ये वाला है इक्वल है कैरेक्टर, तो तुम कुछ नहीं करोगे इसमें, तुम सिर्फ बढ़ा दोगे एक को आंसर से, आंसर प्लस प्लस ही तो कर रहे हैं हम। फिर तुमने ये 0 और ये 0 भी इक्वल नहीं है, फिर तुमने आंसर प्लस प्लस कर दिया, फिर आगे बढ़ गए, ये 0 और ये 1 इक्वल है, ठीक है, तो उसके लिए तुमने क्या ऐड किया है? तुम बस ये वाली इंडेक्स ऐड कर दोगे 1, ये कर दिया। मुझे लगता है मैंने कुछ गड़बड़ भी की है। हाँ, हमने इस वाले के लिए जब 4 ऐड किया था, तो हमने एक 1 ऐड नहीं किया, तो वो भी ऐड करेंगे, तो ये आंसर 8 आ गया। कुछ भी घोर घपला नहीं है, मैं एक और रन करके दिखा देता हूँ, ताकि अब अगर तुम 1-0-0 ले लो, तो यहाँ पर हो तुम, तो आंसर को एक बढ़ा दोगे, क्योंकि इक्वल तो है नहीं इसके, तो तुम यहाँ पे मूव कर गए, यहाँ पर ये और ये इक्वल है, तो तुम ये वाली इंडेक्स क्या है 1 और प्लस 1, तो ये 3 आ जाएगा, 1 इसके लिए और 1 जो लूप से बाहर आ रहा है उसके लिए, तो 3 आंसर आ गया। तो करके देख लेना, ये ड्राई रन चल जाएगा कोड, आई थिंक लाइक आई हैव एक्सप्लेन इट प्रॉपरली, तो ये समझ आ जाएगा। सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स दी सी, विच इज़ डायरेक्शनल इंक्रीज। सो इसमें क्या दे रखा है, कि तुम लेट्स से, तुम्हारे पास दो ऑपरेशंस पॉसिबल हैं, कि तुम इनिशियली तो स्टार्ट पे हो इंडेक्स के, स्ट्रिंग के, सॉरी एरे के, मतलब 0th वाले पोजीशन पर हो। उसके बाद तुम क्या करोगे, कि तुम या तो आगे बढ़ जाओ, प्लस 1 कर दो उस वाले एलिमेंट को, लेट्स से तुम 0th एलिमेंट पे थे, तुम आगे बढ़ गए, तो तुमने 0th एलिमेंट को प्लस 1 कर दिया, या फिर तुम किसी और एलिमेंट पर थे, किसी और पोजीशन पे थे, लेट्स से 5 पोजीशन पे थे, तो उस पोजीशन पे डिक्रीमेंट कर दो एक नंबर, 4 कर दो, लेट्स से उसकी वैल्यू वी थी, तो वी माइनस 1 कर दो और पीछे मूव कर दो, तो एंड में तुम्हें घूम फिर के आना 0th वाले इंडेक्स पे ही है, पोजीशन पे ही है, तुमने वहीं से स्टार्ट किया था, वहीं घूम के आना है। और तो तुम्हें बताना है कि क्या ये एक पॉसिबिलिटी है एरे की होने की। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था प्रॉब्लम सोचने में, और मतलब शुरू में देख के लगेगा कि पता नहीं क्या है, कैसे होगा, बट मैं बता दूँ मैं कैसे इस पे पहुँचा सोल्यूशन पे। तो शुरू में ना, जब भी ये मेरे को दिखती है ऑपरेशन वाली चीज़, तो मैं ये थोड़ा सा ये सोचता हूँ कि दो आगे एक पीछे, एक पीछे, तो मैं ऐसा कुछ सोचता हूँ। तो जैसे मैं ये 1, 2, 3, 4, -10 मैं बता रहा हूँ, ताकि मैं सोल्यूशन तो बता दूंगा, बट हाउ वुड यू एबल टू गेस नेक्स्ट टाइम, तो उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, कि क्योंकि ट्रिक्स कभी कभी, मतलब क्वेश्चंस तो मैं 101% कह रहा हूँ रिपीट होते हैं, आई शो यू दिस D1, वो भी मेरा पहले करा हुआ था, शायद इसलिए हो गया, कि काफ़ी एक टाइम के बाद पैटर्न्स बनने शुरू हो जाते हैं प्रॉब्लम्स में। तो जैसे मैं यही सोचता हूँ कि एक आगे, दो आगे, तीन आगे, चार आगे, तो ये 10 आगे हो गए, ऐसी एक ये 10 वाला पीछे हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस तो तुम्हारे 0 ही रहेंगे, मतलब सम ऑफ दी एरे एंड में सम ऑफ दी ऑपरेशन सारे तुम्हारे 0 रहेंगे, ये तो पक्का श्योर है ही,
बस हमें ये चेक करना है कि ऑपरेशंस फीजेबल हैं भी या नहीं। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि अगर मेरे पीछे 0000 पड़े हैं ठीक है तो कोई सीन ही नहीं है, मतलब उन जीरो से मेरे पे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मेरे पास पीछे 10 पड़ा है तो मतलब मैं 10 आगे चला गया, पीछे तो मैं आ ही नहीं पाया, तो वो चीज़ मेरी गलत हो जाएगी। ठीक है, अब अगर मेरा नेगेटिव पड़ा है तो फन पार्ट स्टार्ट होता है। तो अब जैसे -10 है तो मतलब मैं 10 बार पीछे गया हूँ, ठीक है, फिर मैं 4, यहाँ पर 4 है तो मतलब मैं 4 आगे चला गया, तो मेरे पास बचे कितने, 6, 6 पीछे गया हूँ। ऐसे ही फिर 3 में आगे चला गया तो पीछे कितने गया हूँ, 3, फिर मैं 2 आगे चला गया तो मैं पीछे कितने गया हूँ, 1, फिर मैं 1 आगे चला गया तो मैं पीछे कितने गया हूँ, 0। तो अगर मैं 0 लेके आ पा रहा हूँ एंड तक किसी तरीके से, तो मेरी ये पॉसिबिलिटी है। अब जैसे तुम ये वाली स्ट्रिंग देखो, 1-1, 1-1, तो ये है, तुमने यहाँ से शुरू किया, ठीक है -1 है, कूल, तो तुम्हारा -1 आ गया, फिर तुम 1 आगे चले गए तो तुम्हारा 0 आ गया यहाँ पे। तो अब अगर तुम्हारे 0 आ गए तो तुम पीछे तो जा ही नहीं पाओगे, पीछे नहीं जा पाओगे, पीछे नहीं जा पा रहे, तो ये वाली कैसे कवर होंगे ऑपरेशंस, तो इसका मतलब इस केस में आंसर नो है। तो बस इसी चीज़ को मैंने अप्लाई किया था इसमें एंड इट वर्क प्रिटी वेल। नाउ लेट मी शो यू दी कोड। मैंने क्या किया कि आई को मैंने -1 सेट कर दिया, मैंने सारे v ऑफ आई जब तक 0, मैंने आई को -1 कर लिया। अगर मेरा आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो मैंने चेक किया अगर मेरा लास्ट वाला एलिमेंट ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। अगर है तो मैंने टेम्प को तभी फॉल्स कर दिया, मैं आगे थोड़े ना चलता चले आऊँगा, मेरे को वापस भी आना है 0 वाले इंडेक्स पे। अगर नहीं है तो मैंने क्या किया, आंसर को अपना v ऑफ आई सेट कर दिया और आई को डिक्रीमेंट कर दिया। तो अब मैं फॉर लूप लगा के वापस चलता चले आ रहा हूँ, मैंने चेक किया अगर किसी भी पॉइंट पे मेरा आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है, क्योंकि मैं पीछे जा रहा हूँ तो मेरे को एक नेगेटिव वैल्यू हमेशा चाहिए चाहिए। तो अगर किसी भी पॉइंट पे मेरा आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है तो मैंने टेम्प को फॉल्स कर दिया और मैं ब्रेक कर गया, अदरवाइज आई एम इंक्रीमेंटिंग जो भी वैल्यू मेरी वी ऑफ आई के अंदर पड़ी है मैंने आंसर के अंदर बढ़ा दी। उसके बाद मैंने एंड में चेक किया अगर मेरा आंसर 0 है तो फिर उसके बाद मैंने चेक किया, जबकि मैं यहाँ पर ही कर सकता था, इफ़ टेम्प देन, इफ़ टेम्प एंड आंसर सी आउट येस अदरवाइज सी आउट नो, ठीक है जो भी किया तो तुम समझ गए नाउ। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी मतलब सोचना थोड़ा सा भी मुश्किल था, कि तुम आगे पीछे वाली चीज़ सोचते तो शायद हो जाता। नाउ लेट मी ड्राई रन दिस वाला एग्जांपल आल्सो, ताकि तुम्हें समझ आ जाए अच्छे से कि कोड में क्या चल रहा है और असल में चल क्या रहा है। तो लेट मी शो यू, एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशंस रिलेटेड टू द वीडियो, आई एम न्यू टू टीचिंग, लाइक आई हैव बीन टीचिंग अबाउट 4-5 मंथ्स, मैं डाल रहा हूँ इस पे यूट्यूब पे। सो इफ़ यू फील लाइक कि कोई चीज़ में इम्प्रूवमेंट, या इफ़ यू वॉन्ट समथिंग फ्रॉम मी, सम काइंड ऑफ अ पर्टिकुलर वीडियो ऑफ माई एक्सपीरियंसिस एट शॉ, लाइक आई क्रैक 3 कंपनी, सो आई कुड शेयर यू विद डैट, और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कुड आस्क मी ऑन द टेलीग्राम ग्रुप और लिंक्डइन और समवेयर एल्स। सो या, सो अब ये 0-0 हैं तो तुम यहाँ पर पहुँच गए, ठीक है, तुमने चेक किया ये वैल्यू तुम्हारी ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो ठीक है तुमने आंसर के अंदर ये वैल्यू बढ़ा दी, तो आंसर अभी तुम्हारा -2 है, फिर तुम यहाँ पर पहुँच गए, तो ये वैल्यू तुम्हारी 1 है, फिर तुमने आंसर, तुम्हारा ग्रेटर देन 0 है, नहीं है, तो आंसर को तुमने -2 + 1 किया, तो आंसर अब तुम्हारा हो गया 1 और तुम आगे बढ़ गए। ठीक है, अब तुमने क्या चेक किया, -1 हो गया आंसर, फिर तुमने चेक किया कि आंसर तुम्हारा ग्रेटर देन 1 है, नहीं है, तो आंसर तुम्हारा -1 था, फिर तुमने ये 1 को बढ़ा दिया, तो अब ये हो गया तुम्हारा 0, ठीक है, और तुम यहाँ पर आ गए, फिर तुमने आंसर को बढ़ाया अपना +2 कर दिया। आई गेस आई हैव कमिटेड समथिंग रॉन्ग और नो, लाइक इसके केस में आंसर हमारा येस होगा, तो ओके। सो मैंने क्या चेक किया पहले, तो सो बेसिकली इन दिस टेस्ट केस क्या हो रहा है कि इनिशियली तुमने ये पहले जीरोस हटा दिए सारे, तुम यहाँ पर आ गए, ये -2 है, ये वैल्यू तुम्हारी ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो तुमने आंसर के अंदर -2 डाल दिया, फिर तुम आगे बढ़ गए, तो -2, अब +1, तुमने पहले यहाँ पे चेक करोगे कि आंसर तुम्हारा ग्रेटर देन 0 है, नहीं है, तो अब नहीं है तो फिर तुम इसमें +1 कर दोगे जो भी वैल्यू तुम्हारी पड़ी है, तो अब तुम्हारा आंसर -1 पड़ गया। तुम यहाँ पर पहुँचे, तुमने चेक किया आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो तुमने फिर से ये वैल्यू बढ़ा दी जो भी वैल्यू पड़ी थी, तो ये -2 हो गया आंसर की वैल्यू। अब तुम यहाँ पर पहुँचे, तुमने चेक किया आंसर तुम्हारा ग्रेटर देन 0 है, नहीं है, तब तुमने आंसर के अंदर -2 +2 कर दिया और 0 आ गया, तो
आंसर भी जीरो है, टेम्प भी ट्रू है, तो तुमने सी आउट कर दिया, यस। ठीक है, तो इतना सही था इस प्रॉब्लम में। अब नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स दी प्रॉब्लम डी विच इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन। ठीक है, मतलब यार ABC प्रॉब्लम्स तो अधिकतर एडहॉक ही होती हैं, और इनमें मतलब इतना कुछ लग भी नहीं रहा होता है कि तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी ऑनलाइन असेसमेंट में, टू बी वेरी फ्रैंक। मतलब ऐसे क्वेश्चंस तो कभी नहीं आते हैं, बट जो प्रॉब्लम्स डी के बाद होती हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छा डेटा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है और काफ़ी थिंकिंग भी इन्वॉल्व होती है। सो मतलब डोंट गेट डिसहार्टेंड, क्योंकि देखो अगर ये बी वाले प्रॉब्लम तुमसे नहीं हुई होती कॉन्टेस्ट में, सो तुम्हें लगती है पैटर्न बेस्ड है कि तुमने 0110 देख लिया, मतलब ये तुम्हें स्ट्राइक कर गया नहीं करा, ये कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करेगा ऑनलाइन असेसमेंट में। सो डोंट गेट मॉक डाउन, बट अब सॉल्व करो जितनी भी प्रॉब्लम्स को कर सकते हो। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स दी प्रॉब्लम डी। सो इसमें क्या दे रखा है, तुम्हें एक ट्री दे रखा है, ट्री के लिए पैरेंट दे रखा है हर नोड का। उसके बाद तुम्हें एक परमिसेबल वैल्यू दे रखी है हर नोड वैल्यू की, लाइक अगर एक वर्टेक्स वी है तो उसकी वैल्यूज, उसकी रेंज क्या होनी चाहिए वर्टेक्स वी की, एल से लेके आर तक की रेंज होनी चाहिए। उसके बाद तुम्हें एक वैल्यू चूज़ करनी है उसके लिए सी, लेट से तुमने, सो मैं ये ड्रॉ करता हूँ ताकि तुम्हें समझ आए कि मैंने कि प्रॉब्लम में क्या कह रहा है। लेट्स टेक दी एग्जाम्पल नंबर 5, टेस्ट केस नंबर 5। तो इसमें क्या बन रहा है हमारा ट्री, जो भी है मैं एक मिनट ड्रॉ कर लेता हूँ, जस्ट बेयर मी फॉर द फॉर अ वाइल। तो ऐसा तुम्हारा ट्री है, ये तुम्हारा ट्री है। ठीक है, तो तुम्हें ये वैल्यूज दे रखी हैं कि 1 के अंदर 5 से 5 की रेंज है, 2 के अंदर 4 से 4 है, 3 के अंदर 3 से 3 है, 4 के अंदर 4 से 4 है, और 5 के अंदर 1 1, सॉरी ये 2 था और ये 1 था, 1 से 1 की रेंज है। अब तुम क्या कर सकते हो कि 1 2 लेके वर्टेक्स किसी भी वी, सो मतलब 1 से लेके 3 तक कुछ वैल्यूज ऐड कर सकते हो। इनिशियली तुम्हारी हर नोड की वैल्यू 0 है, तुम्हारा फाइनल एम क्या है कि तुम्हारे इन नोड्स, सब नोड्स की वैल्यू इन रेंजेस के बीच में आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें क्या कर सकते हो तुम, कि तुम्हें ऑपरेशंस दिए हुए हैं कि तुम इनके अंदर वैल्यूज इंक्रीमेंट कर सकते हो। वो भी कैसे कर सकते हो, लेट्स से तुमने चूज़ किया ये 5 वाला नोड, तो 1 to 5 पे कौन कौन से नोड्स आ रहे हैं, 1 से लेके 2 से लेके 3 से लेके 4 से लेके 5, और तुमने यहाँ पे वैल्यू रखी C1 से बढ़ाई, C2 से, C3 से, C4 से, C5। तो ये सारी तुम्हारी ऐसी बढ़नी चाहिए, तो तुम ऐसी वैल्यूज़ बढ़ाओ इनकी। जैसे तुम 5 के लिए तुम 1 चूज़ कर लेते, तो यहाँ पर सब पे 1 आ गया। ठीक है, ये हो सकता है, C1 इज़ ग्रेटर देन C2 इज़ ग्रेटर देन C3 इज़ ग्रेटर देन C4 इज़ ग्रेटर देन C5। फिर तुम दोबारा से इस 4 के लिए तुम क्या 1 चूज़ कर लेते, तो ये वाला 5 तो तुम्हारा सॉर्ट हो गया 1 से 1 के बीच में आ गया, ऐसी 4 तुम्हारा 2 से 2 के बीच में आ गया, तो ये वैल्यू भी 1 बढ़ जाती। ऐसी अब ये 2 है, ये तुम फिर से 1 से बढ़ा देते सबको, ये 3 से 3 के बीच में आ जाती। सिमिलरली ये वाली 4 से 4, ये वाली 5 से 5 आ जाती, तो ये तुम्हारा सॉर्टेड हो जाता। तो इस तरीके से था। ठीक है, तो पहले तो जनरली मैंने क्या देखा है कि ट्रीज वाली प्रॉब्लम में तुम्हारा 90% तो DFS या BFS में से ही कुछ लग रहा होता है, और ये तो और भी ज़्यादा सिंपल हो रहा था। जैसे अगर तुम्हारे पास ये एक ट्री है, ठीक है, तुम्हारी यहाँ से एक वैल्यू, तुम मैक्सिमम जो भी वैल्यू तुम यहाँ पर रख सकते हो वो निकालो, तुम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू रख सकते हो वो निकालो, जो तुम यहाँ पे, ठीक है, ये तुम्हारी मैक्सिमम आ गई। अब इस वाले नोड के लिए अगर तुम्हारी रेंज एल से आर के बीच में है, ठीक है, अगर ये तुम्हारा मैक्सिमम 1 एंड मैक्सिमम 2 ले लेते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 1 का मतलब ये कि इसके बाद के सारे जो भी वैल्यूज़ हैं वो ऐसी हैं कि इंक्रीमेंटल है, तो मैक्सिमम 1 ये है कि ये ऐसी वैल्यू है, जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे तुम 2 3 4 भी रख सकते हो यहाँ, या 1 3 4 भी रख सकते हो, और तुम्हारी रेंज है, तुम्हारी इस वाले नोड की रेंज है 1 से 2, तो मैं यहाँ 2 रखना चाहूँगा। मैं 2 किस लिए रखना चाहूँगा, ताकि ये वाला जो भी नोड की मेरी वैल्यू रहे उसको मैं, उसके अंदर मैं अगर 2 रखूँगा और यहाँ पर मैं 5 रखता, लेट से 2+5 रखता, तो वो जो भी मेरी आर है उसको उस एल से बड़ी हो पाए वो वैल्यू। अगर ये वैल्यू मेरी लेट से तुम्हारी ये 1 ही होती,
तो अगर तुम्हारी ये वैल्यू 1 ही होती तो तुम यहाँ पर 1 या 1 से छोटा रखते कोई वैल्यू, 1 या 1 से छोटी वैल्यू रखते, तो ये तुम्हारी जो भी वैल्यू होती ये कम हो जाती। तो हमें बढ़ी हुई वैल्यू तो चलेगी, बढ़ी हुई तो चलेगी, बट कम वाली के लिए हमारा नुकसान है। बढ़ी हुई चलेगी तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले नोड को बढ़ाऊँगा नहीं, या इस वाले नोड पे कम वैल्यू रख दूंगा कोई। अगर ये मेरी रेंज आर को एक्सीड कर रही है, लेट से जो भी मेरी यहाँ वैल्यूज थी आर को एक्सीड कर रही हैं, इन दोनों का सम मिला के आर को एक्सीड कर रही है, तो मैं जो यहाँ पर अगर लेट से 2 है और यहाँ पर 5 है, और तुम्हारा जो भी आर है वो 4 से 6 है, ये तुम्हारा 7 हो रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या रखूँगा अपनी वैल्यू, मैं यहाँ पर 1 1 इस वाले के लिए, इस वाले के लिए रख दूंगा, और 3 इस वाले के लिए रख दूंगा, ठीक है। तो मेरे कहने का इतना मतलब है कि मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ कि मैं इस वाले नोड पे क्या रख सकता हूँ, सिमिलरली इस वाले नोड पे क्या रख सकता हूँ। सो टू बी वेरी प्रिसाइज कि ये तुम्हारा ट्री है, लेट से ऐसा है, तो मैं इस वाले नोड के लिए निकाल लूँ कि इस वाले नोड के लिए कि मैं यहाँ पर मैक्सिमम क्या रख सकता हूँ, यहाँ पर क्या रख सकता हूँ, यहाँ पर क्या रख सकता हूँ। अब लेट से ये तुम्हारी M1 आ गई वैल्यू, मैक्सिमम 1, M2 एंड M3 आ गई। अगर तुम्हारा M1 प्लस M2 प्लस M3 जो भी तुम मैक्सिमम रख पा रहे हो इज लेस देन जो भी ये L और R थी, अगर ये L से छोटी हो रही है तो इसका मतलब ये है कि तुम मैक्सिमम रखने से भी L को क्रॉस नहीं कर पा रहे, तो तुम्हें एक और फालतू ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। लेट से यहाँ पे ऑपरेशन 1 लग रहे थे, यहाँ पर ऑपरेशन 2 लग रहे थे, यहाँ ऑपरेशन 3 लग रहे थे, तो तुम्हें एक फालतू ऑपरेशन इस वाले उसके लिए लगाना पड़ेगा। तो उस केस में तुम ऑफ 1 प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ 3 प्लस 1 कॉमा, अब तुम एक ऑपरेशन लगाओगे तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू सेट करोगे, डेट वुड बी आर, तुम ये रिटर्न कर दोगे, ठीक है। अब इन केस ये तुम्हारी वैल्यू, इफ ये तो तुम्हारी लेस देन के लिए हो गई, अगर ये तुम्हारी वैल्यू सिमिलरली M1 प्लस M2 प्लस M3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू L आ जाती, तो तुम यहाँ पर क्या करते, ये तुम्हारी लिमिट से बड़ी है, तो अब तुम इस केस में क्या रिटर्न करते, जो भी तुम्हारे ऑपरेशंस थे उनमें तो तुम्हें कोई बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतने ही ऑपरेशन से तुम्हारा काम हो जाता, पर तुम्हें जो भी रिटर्न करना होता वो तुम्हारा मिनिमम होता किसका, एक तो इस M1 प्लस M2 प्लस M3 और जो तुम्हारी R थी, क्यों तुम R R से बड़े नंबर ऑफ C के अंदर वैल्यू नहीं रख सकते ना, तो तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू R ही है, तो तुम्हें वो रिटर्न करनी पड़ेगी इसमें। तो यही था इस प्रॉब्लम में, लाइक आई विल शो यू द कोड एंड हम एक ड्राई रन भी करेंगे ताकि तुम्हें क्लैरिटी आ जाए कोड के लिए कि क्या चल रहा है। सो फर्स्टली ये तो मैंने अपनी ट्री कंस्ट्रक्ट कर ली, मैंने एक वेक्टर के अंदर एल और आर की वैल्यू स्टोर कर ली है, उसके बाद मैंने पेयर ऑफ इंट एंड देन आई एम डूइंग दिस DFS, तब मैंने लिमिट सेट कर ली, अपने एक आंसर सेट कर ली और एक टेम्प वेरिएबल ले लिया फॉल्स। टेम्प वेरिएबल फॉल्स का मतलब क्या है कि मैं इस लूप के अंदर गया ही नहीं, इसका मतलब क्या है कि मैं लीफ नोड पे हूँ। अगर मैं इस वाले लूप के अंदर जा ही नहीं पा रहा, नेबर्स हैं ही नहीं उसके, तो इसका मतलब क्या है मैं लीफ नोड पे हूँ। तो अगर मैं लीफ नोड पे हूँ तो मैं अपनी मैक्सिमम वैल्यू जो भी आर है तो वैल्यू v.second रिटर्न कर दूंगा, और एक ऑपरेशन मेरे को लगेगा ही लगेगा उस वैल्यू तक पहुँचने के लिए, ठीक है। अब इन केस मेरी जो भी वैल्यू थी, क्योंकि इसमें n भी शायद ग्रेटर देन 1 था, तो ऐसा नहीं होगा कि n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो तुम्हारे एक ना एक दो ना नोट्स होने ही होने हैं, तो इस केस में तुम्हें 0 रिटर्न करने का सोचना नहीं पड़ता। मतलब अगर 0 ही होती वैल्यू तुम्हारी रूट नोड की, तो उस केस में तो तुम्हें कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं उस चीज़ के लिए कह रहा हूँ। तो क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स तुम्हारे 2 हैं तो वो वैसी कोई वैल्यू नहीं है, और C1 भी लाइक द वैल्यू ऑफ द नोड्स आर इन द रेंज ऑफ 1 to 10 to the power 9, तो 0 है ही नहीं वैल्यू, तो वो चीज़ है ही नहीं, तो तुम्हें एक ऑपरेशन तो लगता ही लगता, ठीक है। अगर इस इन केस तुम्हारे नेबर्स हैं तो तुम क्या कर रहे हो, मैं पहले उस वाले नेबर के लिए उसका आंसर मंगा के रख रहा हूँ कि मैंने अपनी लिमिट को बढ़ा दिया, जो भी मैक्सिमम उस वाले नेबर के नोड की वैल्यू मैक्सिमम पॉसिबल हो सकती थी रखनी, मैंने उसको लिमिट को बढ़ा दिया, अपने आंसर को बढ़ा दिया, क्योंकि उतने तो करने ही पड़ेंगे ऑपरेशन जितने नेबर्स के लिए लगेंगे। तो अगर मेरी लिमिट आ रही है मेरी L से बड़ी, तो मैं उस केस में क्या रिटर्न कर रहा हूँ,
आंसर रिटर्न कर रहा हूँ, मिनिमम कर रहा हूँ लिमिट ऑफ वैल्यू ऑफ वी डॉट सेकेंड का। इन केस वो मेरी लिमिट से कम आ रही है तो मेरे को नंबर ऑफ ऑपरेशन तो बढ़ाने पड़ेंगे और मैं अपनी मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ जो भी मैं रख पा रहा हूँ। तो यही था इसमें, और मैंने एंड में प्रिंट करा दिया जे जे डॉट फर्स्ट, जे जे इज दिस थिंग जो भी ये मेरी कॉल हो रही है। थोड़ा सा समझना शायद थोड़ा सा मुश्किल था, बट ये प्रॉब्लम मेरी करी हुई है और ये मैंने पहले कभी देखी थी, ये कोड फोर्सेस पे ही किया था, उस टाइम मेरे से नहीं हुई थी। सो डोंट गेट मॉक डाउन, इस टाइम मैंने एक ही बारी में लाइक मैंने पहला सबमिशन किया था, लाइक मैंने ये 5-10 मिनट में ही कर लिया था, मतलब इतना टाइम नहीं लगा था मेरे को ये करने में, क्योंकि पहले मेरा करा हुआ था। एक तो डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी ऐसी प्रॉब्लम से, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगी अगली बार हो जाएगी, ठीक है। सो अब मैं ये दिखाता हूँ कि ये चल कैसे रहा है एक्चुअल में, ठीक है। तो वन और क्लैरिटी आ जाएगी, काफ़ी मस्त क्वेश्चन है ये, तुम्हारे ओए के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है, क्या पता आई जाए। ट्री कैसे, ट्री ग्राफ्स के क्वेश्चन है ये, अच्छे मस्त क्वेश्चन है। एंड ऑल्सो लाइक मुझे तो बड़ी खुशी हुई थी जब ये मैंने कर लिया एक ही बारी में, सो आई वॉज क्वाइट हैप्पी, ठीक है। तो अब जैसे ही यहाँ पर तुम यहाँ पर पहुँच जाओगे, लीफ नोड आ गया, पहले तुम यहाँ पर पहुँच गए, तो मैं यहाँ से क्या रिटर्न कर रहा हूँगा, यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँगा 1, और जो भी 3 की मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है 5, 1 5 रिटर्न हो जाएगा यहाँ से। और इस वाले 4 से क्या रिटर्न होगा, जो भी 4 की मैक्सिमम वैल्यू है 4, और आंसर तुम्हारा 4, आंसर तुम्हारा 1। अब तुम इस 2 पर आओगे तो तुम 2 के लिए चेक करोगे, 2 के लिए क्या है तुम्हारी मैक्सिमम, 2 के लिए तुम्हारी लिमिट क्या होगी, 5 होगी। और तुम्हारी जो भी लिमिट है क्या वो एल से बड़ी है, बड़ी या इक्वल है, तो तुम उस केस में क्या करोगे, ये 1,6 ही रिटर्न कर दोगे। किया है ना मैंने यहाँ पे वैल्यू वी डॉट सेकेंड ही तो रिटर्न की है, यही तो रिटर्न की है, सॉरी हमारी लिमिट से बड़ी वैल्यू है, तो मैंने मिनिमम ऑफ लिमिट और वैल्यू वी डॉट सेकेंड कर दी, तो मैं यहाँ से 5 रिटर्न कर दूंगा, जो भी इन दोनों में मिनिमम है, 5 और 6 में जो भी मिनिमम था लिमिट में मैंने वो रिटर्न कर दी। अब तुम ऊपर गए, अब यहाँ से तुम्हारा 1,4 रिटर्न हुआ था, यहाँ से 1,5 रिटर्न हुआ है। अब तो तुमने दोबारा चेक किया कि 5 प्लस 4 9, क्या ये तुम्हारा इस वाले एल से बड़ा है, तो तुम इस केस में क्या करोगे, तुम इस केस में 1 प्लस 1 2, जो भी तुम्हारी लिमिट थी, लिमिट का मिनिमम, मिनिमम ऑफ लिमिट एंड दिस वी डॉट सेकेंड विच इज़ 9, तो तुम 2,9 रिटर्न कर दोगे, तो तुम्हारी चीज़ तो, और ये तुम ये प्रिंट करा दोगे जे जे डॉट फर्स्ट। अब मैं थोड़ा सा और इस पे भी प्रकाश डालना चाहता हूँ कि मिनिमम ऑफ लिमिट वैल्यूज वी डॉट सेकेंड हम क्यों कर रहे हैं। तो लेट से तुम्हारी लिमिट बड़ी है, जो भी तुम्हारा वी डॉट सेकेंड है या आर, जो भी तुम्हारे इस नोड की एल और आर है उससे बड़ी है तुम्हारी, ये जितनी भी तुमने नीचे उसके नेबर्स हैं उनसे बड़ी है ये लिमिट, तुम उस केस में तो तुम्हारे आंसर तो वही रिटर्न होगा। अब तुम क्या वैल्यू रख सकते हो इस वाले नोड पे, इस वाले नोड पे तुम मैक्सिमम वैल्यू कितनी पहुंचा सकते हो, इस वाले नोड पे तुम मैक्सिमम वैल्यू खाली मिनिमम ऑफ लिमिट ही पहुंचा सकते हो और वी डॉट सेकेंड ही पहुंचा सकते हो। देखो फर्स्टली तुम कभी वी डॉट सेकेंड को तो क्रॉस कर ही नहीं सकते, और तुम इस लिमिट को भी क्रॉस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अगर ये तुम्हारे नेबर्स हैं और यहाँ पर तुम 2 3 4 रख रहे हो, तो तुम 9 से ज़्यादा कभी रख सकते हो, यहाँ यहाँ 10 पहुँचा सकते हो, क्यों, अगर तुम यहाँ पर 2 रखी है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो 2 से छोटी हैं। सिमिलरली तुमने यहाँ 3 रखी है तो इस वाले ऑपरेशन के लिए 3 से छोटी है, इस वाले के लिए 4 से छोटी है, तो 4 प्लस 3 प्लस 2 7 एंड 9, तो तुम्हें 9 से तो छोटी ही या इक्वल ही रखनी पड़ेगी,